जब ये फोन लॉन्च हुआ था सोचा नहीं था इतना ज्यादा बिकेगा। आपको भी जरूर पसंद आया होगा ये फोन। सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाइए ताकि इस तरह की खबरों का आपको पता चलता रहे। जैसे कि आप जानते ही होंगे, कुछ महीने पहले ही चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रेडमी के द्वारा 10,000 रुपए की कीमत के अंदर रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था। दरअसल यह स्मार्टफोन भारतीय उपभोक्ताओं के द्वारा बेहद पसंद किया गया था। अभी भी 10,000 रुपए की कीमत के अंदर यह सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह स्मार्टफोन 10,000 रुपए की कीमत में अन्य सभी स्मार्टफोन से काफी बेहतर फीचर्स ऑफर करता है। केवल स्पेसिफिकेशंस बल्कि फोन का डिजाइन भी काफी आकर्षक है। इसके अलावा फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो इस स्मार्टफोन को एक काफी वर्सेटाइल स्मार्टफोन बनाता है। चलिए आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाले सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन में मौजूद डिस्प्ले की। इसमें 6.39 इंच की फुल एचडी 1080x2340 पिक्सल स्क्रीन दी गई है। कंपनी ने इसी डिस्प्ले का इस्तेमाल रेडमी K20 में किया है। यह 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 19.59 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगा। फोन के फ्रंट और बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ 6GB तक रैम दिए गए हैं। इनबिल्ट स्टोरेज 128GB तक की है। फोन में माइक्रो एसडी कार्ड 512GB तक के लिए अलग स्लॉट है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात की जाए तो Xiaomi ने अपने Redmi Note 8 में 4 रियर कैमरे दिए हैं। यहां 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर और 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर होंगे। इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। इसका अपर्चर f/2.0 है। फोन में मौजूद अन्य स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो Redmi Note 8 में 4000 mAh की बैटरी है। यह 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, USB Type-C पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और IR ब्लास्टर के साथ आता है। कनेक्टिविटी फीचर्स में GPS, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 और Wi-Fi Direct शामिल हैं। फोन का डायमेंशन 158x75x8.35 mm है और वजन 188 ग्राम। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, जायरोस्कोप, डिजिटल कंपास और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन का हिस्सा है। हम आपसे जानना चाहेंगे आप इस स्मार्टफोन के विषय में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ये स्मार्टफोन 10,000 रुपए में सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और यदि आपके मन में इस स्मार्टफोन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी रोचक न्यूज टीम आपके हर प्रश्न का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेगी। स्मार्टफोन से जुड़ी इसी तरह की और रोचक खबरों को सबसे पहले पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं।